मैं गुजारिश करता हूँ मेरा साथियों से, एमआईएम पार्टी वहाँ पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी जी बहुत सारे मुद्दे उठाए, वहाँ पर फिर क्लैरिफिकेशन में बोलने के लिए मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला। यहाँ पर भी डबल बेडरूम के और गरीब के जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन में चेक दिए बाउंस हो गए, हम पहले से यही बोल रहे हैं ये नकली सरकार है, नकली चेक देने में माहिर है, वही 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 सरकार मैं बोल रहा हूँ, जो सरकार भाई चेक कौन दिए? नहीं नहीं आप लोग समझ रहे नहीं, चेक किसने दिए? जो नकली चेक किसने दिया? हम तोड़ी दिए। मैं इसीलिए बार बार झूठे वादा करने वालों को ज्यादा भरोसा मत करो, ऐसा दोस्ती गलत है बोल के मेरा साथियों को बार बार मैं गुजारिश किए। अभी नतीजे आप आंखों के सामने दिख रहा है, आप दोस्त समझ कर गले मिलाया, वो नकली चेक दे के आपको धोखा दिए। इसीलिए मेरा माइनॉरिटी भाइयों से एक ही गुजारिश है, 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग दिए, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हम ही ने बनाया, आगे भी जो चेक्स आपको मिले बाउंस हो गए बराबर जरूर वो पूरा डिटेल मैं ले लेता हूँ। मेरा पेशी में भी एक माइनॉरिटी वेलफेयर को देखने के लिए एक आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर को हमारे पेशी में हम ले लिए। आपको जो भी मुद्दा है, अभी नहीं कभी भी जरूरत पड़े तो 10 to 7 7 बजे तक, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक वो दफ्तर में बैठेगा। आप लोग जो भी आम जनता के लिए गरीब लोगों के लिए जो भी मुद्दा उठाए, यहाँ सरकार गरीब लोगों के लिए काम करने के हम तैयार है। अब जो भी लाए हम पूरा, अब जो मुद्दे उठाए जो डबल बेडरूम के बाकी के चीज़ों में हम वेलकम कर रहे हैं। और ये ड्रग्स के बारे में आप जो खुल के हमको मदद दिए, मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में ये सब सारे राजनीति के बारे में ये चर्चा करने का समय नहीं है। आप लोग जो खुल के आप आगे आए, हम भी आपके साथ लेकर, क्योंकि ये इरैडिकेट करना बोले तो हैदराबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस यहाँ ही हो रहे हैं, हैदराबाद शहर में जितने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सबके साथ लेकर मैं आगे चलना है। आपका भी मदद मैं ज़रूरी लेता हूँ, मेरे ऑफिसरों को भी मैं बोल देता हूँ कि आपसे अगर कुछ भी मदद ज़रूर पड़े, कोई बंदा उधर के इधर के कहीं के रहा तो, आप लोगों का जान पहचान का भी रहा तो पुलिस हवाला करने के लिए आपका भी हम मदद ले लेंगे। बोलते सर, अभी बहुत सारे हैं, अभी क्लारिफिकेशन के बारे में जो वो मुद्दा उठाया वो बात करेंगे, आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारे चर्चा होने वाले हैं, वो चर्चा में आप जो मुद्दा उठाएंगे हम जब का जब उसके बारे में का सरकार का क्या राय है हम बहुत क्लियर कुल्ला मैं बोल देता हूँ, मैं कोई छुपा के इधर उधर नहीं है, मैं कुल्ला बोल देता हूँ, मेरा आदत है, किसी को वो डराए जैसा धमकाए जैसा ऐसा कुछ होता है मेरा टोन वैसा है, क्योंकि मैं गांव से आया, गांव के जो आदमी जो बोलने का ढंग रहता है, मैं किसान का बेटा हूँ तो इसीलिए मेरा ढंग ऐसा है कि मैं अमेरिका में जाके इंग्लिश में नहीं पढ़ा, मैं तेलुगु मीडियम में सरकार स्कूल में छोटे गांव में पढ़ के इतने दूर आए, मैं नलमला फॉरेस्ट से आए सो जंगल से आए सो एक स्टूडेंट हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मेरा जो सोच है जो दिमाग में दिल में है वही बात मैं दिखाता हूँ। किसी को जो गुनहगार है उनको डर लगना है, जो जरूर उसके बारे में वक्फ बोर्ड लैंड के भी हम लोग जो आपके कंप्लेंट्स जो स्पेसिफिक केसेस हम जो देंगे हम एग्जामिन कर देंगे, जो करना है कार्रवाई करना है हम लोग कर देंगे।